तर दोन फलंदाज मैदानात जात आहेत गावदेव संघाचे. चाय पी मी तोंडात तंबाखू आता बंटी दारू दिलाय फुल चला पंच सामना चालू करून घ्या. राजू पवार पंच म्हणून काम पाहतील तर दुसऱ्या बाजूला पंच म्हणून काम पाहतील. पंचांचे नियम मात्र समजून घ्यायचे आहेत. काही नियम आहेत ते समजून घ्यायचे आहेत. सर्व संघांना विनंती आहे. अरे सांगितलं आणि काय सांगू, तू सांग ना. थोडं पाठीमागे जायचं आहे चिल्लम, थोडं पाठीमागे या. सामना चालू करून द्या लवकरात लवकर. पहिला षटक टाकण्यासाठी सज्ज होतो गोलंदाज. रजाक तर सामना करेल भाऊ. भाऊ आणि संकेत ही जोडी मैदानावर दिसते. गावदेवी संघाची पहिला चेंडू, चार षटकांची लढत. पहिल्या चेंडूवर मात्र या ठिकाणी रनआउट किशन दिघांची पेळ आणि दरम्यानच्या काळात दोन धावा मिळत आहेत. बॅकअप कॉलचा इशारा होतोय महेश शिंदे यांच्याकडून. दरम्यानच्या काळात दोन धावा मात्र पूर्ण होत आहेत आणि एका चेंडूची समाप्ती आणि धावसंख्या धावपालकावर. यानंतर होणारा सामना असेल चव्हाण इलेव्हन वर्सेस एल सी सी. दोन्ही संघांनी एडी व्हायचं आहे. सुरेख पटकार यावेळी पॉईंटच्या क्षेत्रात एक धाव मात्र पूर्ण होते. त्या ठिकाणी शतरक्षण काहीस ढिसा होते पण बॅकअप मात्र चांगला होत आहे. दरम्यान दोन चेंडूंचा खेळ समाप्त आणि धावसंख्या तीन. रजाकचा पुढील चेंडू यावेळी स्ट्राईक यांच्या दिशेने. संकेत घरात एक नामवंत फलंदाज गावदेव संघाचा. यावेळी मोठा फटका काहीसा हवेत जरूर आहे आणि झेल या ठिकाणी घेतो नानू आणि संकेत घरी घरात याच्या खेळचा अंत होतोय. दरम्यान पहिला झटका बसतोय, पहिला हादरा बसतोय तो गावदेवी संघाला. संकेत घरात रूपात आणि संकेत घरात याची राह घेण्यासाठी नवीन फलंदाज मैदानात जातोय. शास्त्री नगरचा असणारा गावदेवी संघातून खेळताना दिसतोय विरल श्रॉफ. पुढील चेंडू भाऊसाठी मोठा फटका येतो. मिडविकेटच्या क्षेत्रात एक धाव मात्र पूर्ण होत आहे आणि एका धावेवर समाधान मानावं लागेल. दरम्यान सुरेख क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. दरम्यान नाणे याचं आणि धावसंख्या धावफलकावर चार. चार धावा म्हणजेच आता मात्र स्ट्राईक यांच्या दिशेने एक धडाकेबाज फलंदाज विरल. विरल स्ट्राईक यांच्या दिशेने. यावेळी मोठा फटका काही काळ हवा जरूर आणि त्या ठिकाणी पुन्हा एकदा झेल आणि विरलच्या खेळीचा अंत होतोय.
आले आले पावली परत जातोय पहिल्या षटकामध्ये दोन झटके देतो रजाक हा गोलंदाज पर विराम याची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज मैदानात जाईल योगेश प्रभू एक बॉल शिल्लक योगेश तर नो स्ट्राईकला बाहुल ही जोरी मैदानावर गायदेवी संघाची पंचांचा वाईडचा इशारा येतो आणि अवंतर धावण्याची धावसंख्येद्वार धावसंख्या धावफलकावर पाच चेंडू रजा घ्यायचा या ठिकाणी पायची चौपल जरी झाले होते मात्र एका षटकात तरी धाव संख्या धावफलकावर पाच लागते तर वैयक्तिक कोट्यातील पुणे संघातर्फे दुसरे षटक टाकण्यासाठी सज्ज होते सिराज सुरेख चेंडू यावेळी मात्र एक धाव मात्र मिळतोय तेवढे सुरक्षित रक्षण कवर आणि पॉइंटच्या दरम्यान पाहायला मिळतंय रजाक्याचा दरम्यान एक चेंडू समाप्त आणि धाव संख्या धाव फलकावर सहा लेफ्ट हँड राऊंड विकेट गोलंदाजी यावेळी सिराजची पाहायला मिळतंय पुढे उडवण्याचा प्रयत्न लांबच्या क्षेत्रात या ठिकाणी मात्र चार धावा मिळतात आणि या चार धावांची धावसंख्येत वाढ आणि धावसंख्या धावफलकावर दुहेरी अंकात दहा एकाच चौकाराची धावसंख्येत वाढ होते धावसंख्या दहा सिराजचा पुढील चेंडू योगेश प्रभू साठी मोठा फटका काही काळावर जरूर आहे आणि त्या ठिकाणी पंचांचा निर्णय होणं बाकी आहे चार धावा आणि चार धावा कशी धावसंख्येत वाढ धावसंख्या पुन्हा एकदा वाढते चार ने धावसंख्या चौदा तीन चेंडू दोन चेंडूवर दोन सलग चौकार ठोकतोय पाहूया तिसऱ्या चेंडूवर काय घडतंय काय बिघडतंय सुरेख चेंडू यावेळी मात्र कमबॅक दाखवतोय गोलंदाज सिराज दोन चेंडूंवर दोन चौकार जरी मिळाले
पण या चेंडूवर मात्र कमबॅक दाखवतोय. या ठिकाणी मात्र अवांतर एक डाव मात्र मिळते, डाव संख्या 15. कैशी भरकटलेली गोलंदाजी या दरम्यान पाहायला मिळाली सिराजाचे. आणि या ठिकाणी गडी गारत रनआउट रूपात भाऊ तंबूच्या असं लावेल आणि तिसरा धक्का बसतोय. पंधरा या धावसंख्येवर धक्का बसतो तिसरा. तर नवीन फलंदाज मैदानात जाईल मंगेश. चव्हाण संघाचा जर प्रतिनिधी आला असेल तर त्यांना विनंती आहे आपण समालोचन कक्षाजवळ यायचं आहे. या ठिकाणी पुन्हा एकदा दंडित करतायत सोयल चेंडू निषेध धावसंख्येत वाढ आणि धावसंख्या धावफलकावर 16. पहिल्या षटकामध्ये फक्त 5 धावा आणि त्यानंतर मात्र सुरत कमबॅक ते गाडदेवी संघाचा. 3 गडी बाद झाले असले तरी काय झालं, धावसंख्या मात्र धावफलकावर लागते ते 16. स्ट्रायकिंगच्या दिशेने योगेश प्रभू 2 चौकाराने शिकवतोय. पुन्हा एकदा मोठा फटका लॉंगच्या क्षेत्रात, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळेल फैजाबाचा. दरम्यान एकच धाव मात्र मिळते आणि धावसंख्या 17. 12 धावा या दरम्यान. चला लवकर खेळा लवकर खेळा, अजून बरेच सामने या दरम्यान व्हायचे आहेत. अंतिम सामना सुद्धा बाकी आहे आणि त्यानंतर बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम होईल आणि या क्रीडा स्पर्धेची सांगता होईल. स्वर्गीय धर्मेंद्र मिश्रा उर्फ विक्की मिश्रा याच्या स्मरणार्थ ठेवलेली ही क्रिकेट स्पर्धा. आलेल्या सर्व क्रीडा रसिकांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत. दरम्यान सामना रंगतोय, चौथा सामना या दुसऱ्या दिवशातील रंगतोय. गावदेवी वर्सेस रिजवान MSCC बॉलर नेम खंडा सिद्धार्थ. सर सिद्धार्थ पुढील चेंडू मोठा फटका यावर काही काय हवं जरूर त्या ठिकाणी गोल सुटतो आजील कडून. दरम्यान एकच धावावर समाधान मानावं लागेल आणि या ठिकाणी झेल मात्र सुटतो. काहीसा प्रयत्न जरूर झाला होता आणि धाव संख्या धावफलकावर 18. पुढील चेंडू काही काळ हवेत जरूर आहे, त्या ठिकाणी मंगेशाचा फटका आणि एकच धाव. Yeah.
हॅलो, क्या नाम है तेरा? आशिफ मंचूरियन। जो मेडिकल में भी काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक। और ये बहुत ही बुरा संकेत दिखता है गाओदेवी टीम पे, आउट होते हुए मंगेश। अरे हेलो, राजेश पाटील का आवाज है ना स्टेज के इधर आने। राजेश पाटील का विनंती है अपने स्टेज पर रहते। जोर से बोल। दरम्यान चौथ्या कडी तंबूचे आश्रय होते मंगेश, आणि मंगेश याची जागेसाठी नवीन फलंदाज मैदानात जाईल अल्ताफ, ज्याच्याकडून मोठ्या फटक्यांची अपेक्षा प्रत्येक संघा दरम्यान असते। तीन चेंडूंचा खेळ समाप्त आणि धाव संख्या 19। बॅटिंग वर आहे अल्ताफ, मोठा फटका पालालाच लागवास क्षेत्रात 6 धावा। सुरेख फटका ज्या फटकांसाठी ओळखला जातो तो फटका यावेळी मात्र लागवासच्या क्षेत्रात। आणि या 6 धावांची धावसंख्येत वाढ, धावसंख्या धावफलकावर 25। सुरेख फटका यावेळी आणि त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षकासाठी सांगत आहे महेश शिंदे यांच्याकडून, आणि एक धाव मात्र मिळतोय, धाव संख्या होते 26 धावा। शेवटचा चेंडू शिल्लक, पुन्हा एकदा एक धाव मात्र मिळेल कव्हर आणि पॉईंटच्या क्षेत्रात चेंडू जातोय, त्या ठिकाणी एक धाव मात्र मिळतोय आणि 3 षटका अखेरीस, धाव संख्या धाव फलकावर 27। या 3र्या षटकात 10 धावा जमवतोय गावदेवी संघ। पाहूया शेवटचं आणि अंतिम षटक 27 धावा। 27 धावा धाव फलकावर। यानंतर होणारा सामना असेल चव्हाण बॉयज वर्सेस LCC। दोन्ही संघांना विनंती आहे लवकरात लवकर यायचं आहे टॉस साठी। दरम्यान या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत राजेश पाटील, त्यांचं मंडळाच्या वतीनं हार्दिक स्वागत। तीन षटकाची अखेरीस धावसंख्या धावफलकावर 27। आता मात्र मोठ्या फटक्यांची अपेक्षा, ती पुन्हा एकदा गावदेवी संघाकडून योगेश प्रभू आणि अल्ताफ यांच्याकडून। तर गोलंदाजी मार्कवर 4र्या षटक कासिम, पहिला चेंडू यावेळी मात्र पंचदंडित करतात, दोन्ही हात समांतर करून सांगतायत हा अवांतर सहन स्वरूपातली एक धाव आणि धावसंख्या 28। ओंकार ओंकार जोड पाठीला मिळायचंय, ओंकार गोटो यतीन पुढे उलगाडीचा प्रयत्न लॉंगॉफच्या क्षेत्रात, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण फैजानाचं एकाच धावावर समाधान, काहीशी फेकी मात्र उशिरा येते आणि 2 धावा या दरम्यान पूर्ण होत आहेत आणि धावसंख्या धावफलकावर 30। कसिंगचा पुढील चेंडू स्ट्रायकिंगच्या दिशेने
योगेश पुन्हा एकदा कालचा गटा संरक्षण पाहायला मिळतंय, परमान एकदा मात्र मिळते आणि सुरेख पैकी यावेळी मात्र सिद्धार्थची दरम्यान एका धावांची धावसंख्येत वाढ आणि धावसंख्या धावफलकावर 31. चार चेंडूंचा खेळ अजूनही शिल्लक. आता मात्र स्ट्राईक यांच्या दिशेने एका षटकार दिशी खेळतो अल्ताफ. सुरेख पटका खेळण्याचा प्रयत्न, ऑन साइड टेन्शनने खेळण्याचा प्रयत्न, मोठा फटका होतो आकाशाच्या पलीकडे आणि सहा धावा या दरम्यान पूर्ण सहा धावा मिळतात या फटक्यावर. एक वाखडण्याजोगी फलंदाजी या दरम्यान पाहायला मिळाली ती गावदेवी संघाकडून अल्ताफ याची आणि धावसंख्या 38 धावा धावफलकावर. आणि आता मात्र दोनच जावा डिक्लेअर दोन मध्ये चेंडू जातो गोशांकी क्षेत्रात. चेंडू गेल्यानंतर मात्र पॅट ठिकाणी 40 धावा धावफलकावर. पाहूया या चेंडूवर काय होतंय काय बिघडतंय. चाळीस धावा धावफलकावर लागत आहेत. 1-2 शेवटच्या षटकातील या ठिकाणी वाईट घोषित करतायत. एक अतिरिक्त धाव संघाच्या खात्यात वाढ होते आणि धावसंख्या धावफलकावर 41. अजूनही एक चेंडू शिल्लक. पाहूया या चेंडूवर काय बिघडतंय काय घडतंय. म्हणून एक चेंडू या पहिल्या सत्रातील पाहायला मिळतोय कासिम याचा अल्ताफसाठी. मोठा फटका यावेळी मात्र रन आउटची संधी आणि त्या ठिकाणी रन आउट. पाच गडी बाद धावसंख्या धावफलकावर 41. बेचाळीस धावांची गरज हा सामना जिंकण्यासाठी 24 चेंडू आणि 42 धावा. सुरेख फलंदाजी यावेळी पाहायला मिळाली अल्ताफ आणि योगेश प्रभू याचे आणि त्याच्या जोरावर 41 धावा जमवतोय रिजवान एमएससी या संघाविरुद्ध खेळताना गावदेवी संघ. 42 धावांची गरज.
यहाँ पर मौजूद है कोचरो भाई, इनका स्वागत करता हूँ। तर यानंतर सामना होईल एलसीसी आणि चव्हाण चव्हाण संघ टेस्ट या। फलंदाज पाठवा, लवकरात लवकर फलंदाज पाठवा। सभी कार्यकर्ताओं को रिक्वेस्ट है फोटोग्राफी बंद कीजिए, नहीं तो कैमरा जब्त किया जाएगा, आचार संहिता चालू है। नहीं मैं उस पर शाहिद बात कर रहा था, शाहिद बात कर रहा था। फैजल स्ट्राइक ला ना, सॉरी कौन है फैजल ना, शहीद नॉन स्ट्राइक ला शाकिब। तो स्ट्राइक यांच्या दिशेने, तो स्ट्राइक पर एक बार दिखते हुए मैदान के ऊपर सईद और शाकिब की जोड़ी, एमएससी रिजवान के नाम से जाने जाते हैं ये खिलाड़ी, वही खिलाड़ी यहाँ पर दिखते हुए। तो अंपायर अपने अपने जगह लेते हुए यहाँ पर, तो गेंदबाजी की हासिल से मैदान के ऊपर पहली ओवर लेकर राहुल, तो स्ट्राइक पर है सईद, देखते हैं। तो 48 रन, माफ कीजिए 42 रन कैसे चेस करते हैं। हेलो 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 हेलो, बोल आप किधर है? तो पहले गेम के ऊपर एक रन मिलता, माफ कीजिए डॉट गेम। अच्छी गेंद वहां पर, पहले ही गेंद राहुल द्वारा। अच्छी गेंदबाजी, फिर से एक बार टप्पा गिरने के बाद अंदर की तरफ आई गेंद, तो यहां पर देखो नतीजा आपके सामने, दो गेंद वहां पर डॉट निकालते हुए गेंदबाज राहुल, दोनों ही गेंदबाज गेंद पर बीट कर दिया, फिर से एक बार तैयार होते हुए सईद, फिर से एक बार बढ़िया स्ट्रोक खेलने का प्रयास, बैट का अंदरूनी हिस्सा गेंद जाती है विकेट कीपर के पास, टोटल तीन गेंद यहां पर खत्म और
स्कोर अभी तक बना ही नहीं है। बेहतरीन शुरुआत यहां पर गाओदेवी द्वारा, अच्छी गेंदबाजी यहां पर दिखाई देते हुए। यहां पर देखो काफी देर तक हवा में गेंद, कैच होने का खतरा और बेहतरीन कैच वहां पर, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। तो पहले विकेट का पतन होता हुआ 0 रन पर। बारह पांचा किधर भी हो आप, जल्द से जल्द स्टेज के पास आ जाओ। तो नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर चलते हुए नानू, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस इस मैदान के ऊपर रहता है उनका, वही नानू मैदान के ऊपर चलते हुए। अभी देखते हैं शाकिब का कैसा साथ निभाते हैं। लाजवाब गेंदबाजी यहां पर राहुल द्वारा। अगले गेंद यहां पर देखो फुल टॉस गेंद, जरूर कवर और पॉइंट के क्षेत्र में एक ही रन मिलेगा, तो रनों का खाता खोलता हुआ, रनों का अकाउंट यहां पर ओपन होता हुआ और टोटल स्कोर 1 रन। लाजवाब गेंदबाजी बाय, मानो मेरे दिल में छा चुके हैं राहुल। बेहतरीन स्ट्रोक, सीधे खेल दिया वहां पर, देखो फील करते वेरल शॉफ और थ्रो करते, तब तक 1 रन चुराने में कामयाब हो गए दोनों ही बल्लेबाज। टोटल 1 ओवर का खेल खत्म भाई, और रन बनते हैं 2 रन। अभी जीतने के लिए 18 गेंद और 40 रनों की जरूरत, 18 चेंडू और 40 दवा। देखते हैं कौन बाजी मार लेता है इस मुकाबले के दौरान। रिजवान एमएससी और बनाम गाओदेवी के बीच चलता हुआ मुकाबला, इसके बाद कमेंट्री बॉक्स में बदला होता हुआ। मेरे साथ जुड़ते हुए शाहिद भाई, थैंक यू। पहली ओवर में महज 2 रन और 1 विकेट का नुकसान, अब 18 गेंदों पर 40 रनों की जरूरत। दूसरे बॉलर का नाम संकेत गाओदेवी की तरफ से दूसरी ओवर कर रहे संकेत। पहली गेंद बहुत अच्छी, बैट्समैन को कंप्लीटली बीट किया, गेंद सीधे भाव के हाथों में। दूसरी गेंद लेके तैयार संकेत, प्रहार करने की कोशिश, मगर गेंद सीधा फील्डर राजा के हाथों में, और बहुत ही अच्छा थ्रो राजा का, बहुत ही बेहतरीन थ्रो, महज 1 रन और इस 1 रन के साथ कुल स्कोर 3 रन। बैटिंग पे कौन है और नॉन स्ट्राइक पे, अभी जो रन मारा वो साकिब है। स्ट्राइक पे अब आ गए हैं नए बल्लेबाज नानू। संकेत अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेके तैयार, मंजिल बहुत दूर है, देखना होगा नानू किस तरह से अपनी बल्लेबाजी की शुरुआत करते हैं। नहीं, बहुत ही अच्छी गेंद संकेत की, गेंद सीधा भाव के हाथों में और एक बूंदी गेंद। अपनी ओवर की अगली गेंद लेके तैयार संकेत, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, जितनी तारीफ करें उतनी कम, इतने विशाल स्कोर के सामने गेंदबाजी कर रहे हैं और पूरी तरह बैकफुट पे डाल दिया है रिजवान एमएससीसी टीम को। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी संकेत की, 4 गेंदों पे महज 2 रन दिए अब तक। डॉट सिंगल, डॉट सिंगल, स्कोर क्या हुआ, 2-2, 2-2, 4।
टोटल स्कोर 4 रन, एक ओवर 4 बॉल 4 रन। बहुत ही ज्यादा धीमी शुरुआत। ग्राउंड पे बच्ची को हटा दें, बेटा जल्दी जल्दी बाहर हो जाओ। हाँ, अपनी ओवर की पांचवी गेंद लेके तैयार संकेत बैटिंग पे साकिब। देखना होगा साकिब क्या करते हैं। बहुत ही कड़ा प्रहार, गेंद फेंक दिया है कमेंट्री बॉक्स के नजदीक 6 रनों के लिए। और ये शानदार छक्का साकिब के बल्ले से निकलता हुआ। देर से ही सही पर शुरुआत हुई। देखना होगा इस ओवर की अंतिम गेंद पर साकिब क्या करते हैं। नहीं, एक बार फिर बीट हुए, गेंद सीधा कीपर के हाथ में। दो ओवर की समाप्ति, कुल स्कोर 10 रन, दो ओवर 10 रन। अब कितना चाहिए 12 पे? विन कितना है? 12 गेंदों पे 32 रन। गेम अब तक गांवदेवी की पकड़ में, क्योंकि रिजवान एमएससीसी को 12 गेंदों पर 32 रनों की जरूरत है। 12 बॉल्स 32 रन टू विन। हर गेंद पर चांस लेना होगा, क्योंकि 16-16 रन दो ओवरों से निकालने हैं। दो बड़े शॉट हर दोनों ओवरों में। बैटिंग पे कौन है? नानू। बैटिंग पे नानू, गेंदबाजी करने आए हैं गांवदेवी की तरफ से वीरल, शास्त्री नगर के एक बेहतरीन खिलाड़ी जो गांवदेवी की टीम से खेलते हैं। गेंदबाजी करने के लिए आए हैं तीसरी ओवर अपनी टीम की ओर से। पहली गेंद पर नानू ने बड़ा शॉट उठाया है, मगर फील्डर नीचे मौजूद, झाड़ की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन। गेंद दो रन डिक्लेयर जोन पे। इन दो रनों की वजह से स्कोर हो चुका है 12, और अब भी 30 रनों की जरूरत। 11 गेंद 30 रन। देखना होगा नानू और साकिब इस मैच को कहां तक ले जाते हैं। अपनी ओवर की दूसरी गेंद लेके तैयार वीरल, वीरल टू नानू। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं वीरल। नानू कंप्लीटली बेट हुए, गेंद भाव के हाथों में और एक बुंदी गेंद। अब 10 गेंदों पे 30 रनों की जरूरत, हर गेंद पर 3 रनों की दरकार। अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेके तैयार वीरल। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, बेहतरीन लेंथ पे डिलीवरी करते हुए डॉट गेंद पर स्ट्राइक रोटेट के चक्कर में नानू अपनी विकेट गवाते हुए। और मैं क्या देख रहा हूं, वीरल ने आउट नहीं लिया, शायद एक रन 22 में मिल गए हैं। डॉट गेंद पर एक रन चुराते हुए चालाकी से, वीरल की गलती, उन्होंने बैल्स नहीं उड़ा, सिस्टम पे गेंद कैच कर दी, तो कोई विकेट नहीं और एक रन जुड़ते हुए। वीरल की अगली गेंद, इस बार सामने होंगे साकिब। बहुत ही अच्छी गेंद साकिब वीरल की, यॉर्कर लाइन डिलीवरी, साकिब कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा नहीं, वो भी अच्छा खेलता है, बॉल ही अच्छी थी, बाकी तो खेलता है। चार गेंदों पे मैच 3 रन दिए हैं वीरल ने। मैच एमएससीसी के हाथ से छूटता हुआ, मगर बहुत ही कड़ा प्रहार साकिब का। देखना होगा क्या होगा, कैच मंगेया भाई, मंगेश भाई के हाथों में एक आसान सा कैच और साकिब वापस पवेलियन की ओर। और साकिब के रूप में एमएससीसी टीम ने अपना दूसरा विकेट खो दिया है। स्कोर क्या है यार? 13 रन कितना चाहिए? 29। 13 रन दो विकेट के नुकसान पर, 7 गेंद 29 रन। मैच लगभग नामुमकिन सा होता हुआ। रिजवान एमएससीसी टीम के हाथों से धीरे धीरे सरकता हुआ यह मैच इस कगार पर पहुंच चुका है कि अब उन्हें 7 गेंदों पर 29 रनों की जरूरत। बहुत अच्छी गेंदबाजी की है वीरल ने, अब तक 5 गेंदों में महज 3 रन दिए और एक विकेट चटकाई।
देखना होगा आखिरी गेंद पर विरल क्या करते हैं। स्ट्राइक पर है आपकी नानू, बैटिंग पर न्यू बैट्समैन आए हैं नॉन स्ट्राइक गेंद पे कासिम, रमजान के छोटे भाई कासिम बैटिंग पर आ चुके हैं, मगर मैच उनके हाथ से फिसलता हुआ। 7 गेंद 29 रन, इस 7 गेंदों पर 5 छक्के। विरल अपनी ओवर की आखिरी गेंद लेके तैयार, अच्छी गेंद विरल की एक बार और, सिर्फ 1 रन, उससे ज्यादा कुछ नहीं। नानू ने सिंगल लिया, 6 गेंदों पे अब 28 रनों की जरूरत है रिजवान एमएससी को। आखिरी ओवर का सामना करेंगे नानू, कुल स्कोर 3 ओवर के बाद 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगला मैच एलसीसी और चौहान, चौहान की टीम कहां पर? हेलो, चौहान की टीम का कोई भी खिलाड़ी अगर मैदान में है तो स्टेज के पास आए, ऑर्गेनाइजर से संपर्क करें। चौहान की टीम का कोई भी खिलाड़ी अगर मैदान में है तो ऑर्गेनाइजर से संपर्क करें। अगला मैच आप ही का है। उपेंद्र, उपेंद्र मिश्रा जी आप कहां भी हैं, आप स्टेज के पास आए। उपेंद्र नहीं है, अल्ताफ भाई जिन्होंने 2 छक्के जड़े थे वो गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं। 6 गेंदों पर 28 रन डिफेंड करने, पहली गेंद थर्ड मैन की ओर 1 रन। अब कासिम सामना करेंगे अल्ताफ का, और कासिम को अपनी टीम को एक अद्भुत जीत दिलानी है तो 5 गेंदों पर 5 छक्के जड़ने होंगे, क्योंकि 5 गेंदों पर अब 27 रनों की जरूरत है। अल्ताफ भाई अपनी दूसरी गेंद लेके तैयार, और ये बैट्समैन बीट हुए, बदन पे बॉल लगा, लेग बाइस द्वारा 1 रन टीम के खाते में जोड़ते हुए 4 गेंदों पर 26 रन। मैच में अब केवल औपचारिकताएं बची हैं, क्योंकि 4 गेंदों पर अगर 4 छक्के भी लगा देना तो 24 ही बनेंगे, तब भी 1 रन से टीम हार जाएगी, 26 रनों की जरूरत है। और एक और विकेट, ये मैच अब खत्म हो चुका है, 3 गेंदों में 26 रनों की जरूरत। तीन गेंदों में 26 रनों की जरूरत, अल्ताफ बैटिंग पर, नए बल्लेबाज फैजान। गेंद हवा में तो जरूर जा रही है मगर कीपर के हाथों तक रह रही है। भाव को कंटिन्यू हर गेंद पर कैच की प्रैक्टिस कराई जा रही है रिजवान एमएससी के बैट्समैन द्वारा, और 2 गेंदों पर 2 विकेट चटका दिए अल्ताफ भाई ने। अगर वो हैट्रिक लेते हैं तो ऑर्गेनाइजर की टीम से, ऑर्गेनाइजर की टीम से है कि हैट्रिक विकेट्स पर 201 रुपए आपको दिए जाएंगे। तो एक बार फिर वही गेंद, भाव अगर लगातार तीसरी बार कैच पकड़ के अल्ताफ को हैट्रिक दिलाए तो 100 रुपए अल्ताफ बॉल में से भाव को दे देंगे 200 में से। तो अल्ताफ की अगली गेंद नहीं, हैट्रिक नहीं ले पाए, पर कोई बात नहीं, अपनी टीम को जीत प्राप्त कराई, आसान जीत। अब बस आखिरी गेंद, बस औपचारिकताएं, आखिरी गेंद बस अल्ताफ भाई को डालनी है नाम के लिए। बैट्समैन ने कड़ा शॉट लेग की तरफ घुमा दिया है, 1 रन डिक्लेयर जोन, मैच इसी के साथ समाप्त। गाओदेवी जीत हासिल करते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। नेक्स्ट मैच क्या है? अभी भाई